बीते दिनी भारत के केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी दे वलों किसाना अते किसानी अंदोलन दे बारे विवादित टिप्पणी दित्ती गई। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विवादित टिप्पणी करते हुए अंदोलन कर रहे किसाना नू मवाली तक कह दिता, जिस तो बाद मैडम लेखी हुण किसाना दे नाल नाल विरोधी पार्टियां दे निशाने ते भी आ गई है। किसाना बारे अजिहे बोल बोलन दे कारण आम आदमी पार्टी दे वर्करां विच गुस्सा वेखण नू मिलिया। इस कड़ी दे विच अज पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दे वल्लों अमृतसर अते लुधियाणा दे विच मीनाक्षी लेखी दे खिलाफ पुतला फूक रोश मुजारे कीते गए। तुहानू दस दईए कि अमृतसर दे भंडारी पुल ते मीनाक्षी लेखी दा पुतला फूक के रोश मुजारा कीता गया। इस मौके आम आदमी पार्टी दे शहरी प्रधान परमिंदर सेठे ते किसान विंग दे शहरी प्रधान सतविंदर जौल ने पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कहा कि लगातार ही भाजपा दे नेतावां वल्लों इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहला भी भाजपा के नेता किसानों को अतवादी कह चुके ने, उथे ही हुण मैडम मीनाक्षी लेखी वालों जानबूझ के इस तरह का बयान दिता गया है। आम आदमी पार्टी के नेतावां ने कहा कि अगर मीनाक्षी लेखी नूं बर्खास्त ना किया गया तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी इस ते कोई वड्डा संघर्ष विधेगी। उथे केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के खिलाफ प्रदर्शन लुधियाना भी वेखन नूं मिलिया, जिथे आम आदमी पार्टी के वर्करा ने लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के नजदीक जम के प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़े की संख्या के पहुंचे आम आदमी पार्टी के वर्करा ने केंद्र सरकार से मीनाक्षी लेखी खिलाफ जम के नारेबाजी की। इस उपरंत मीनाक्षी लेखी का पुतला फूक के उसके अस्तीफे की मांग की। देखो भाजपा की लीडर MP मीनाक्षी लेखी ने किसानों के मुतालिक जिहोजा बयान दिता जिहड़ी डेफामेटरी लैंग्वेज यूज की है। इस तो पहले भी भाजपा कभी अतवादी कहती रही किसानों, कभी कुछ कहें। देखो साढ़े किसान भरा, साढ़े बजुर्ग, साढ़े भैन भरा 8 महीने हो गए हैं दिल्ली बॉर्डर से बैठे हैं। अत की सर्दी, अत की गर्मी, बरसात हर मौसम में झल्या। साढ़े 500 तो ज़्यादा जेड़े किसान है शहीद हो चुके हैं बॉर्डर के, और इस तरह का मजाक और उस कौम का मजाक उड़ा रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराया, और जिस तरह मजाक उड़ा रहे असं प्रोटेस्ट वजो मीनाक्षी का असं पुतला सड़न जा रहे हैं। इस कारण असं इतने इकट्ठे हुए हैं कि अच्छ मीना प्रोटेस्ट करा कि भाजपा की किसी लीडर की हिम्मत ना पे फ्यूचर किसानों किसी तरह का क्रिमिनल कहें। देखो डेमोक्रेसी वे दे नाल एक मोर्चा चल रहा, शांतमई तरीके नाल साडे कानून दे विच राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू असैम्बली, हर तरह का राइट हैगा, फंडामेंटल राइट है। वो किसान अपना फंडामेंटल राइट यूज कर रहे हैं, लाइन ऑर्डर नू मेनटेन करके रख रहे हैं। अगर फिर भी तुसी 8 महीने तो जरा किसान गर्मी सर्दी च बैठा है, साढ़े 500 जो शहीद हो चुके हैं उन्होंने बैठे हुए तुसी चोर डाकू अतवादी कहोगे तो कोई हिंदुस्तान दे च बर्दाश्त नहीं करेगा। 50% तो ज़्यादा लोग किसानी ना जुड़े हुए हैं। इस कारण भाजपा आने वाले इलैक्शन के भावें इलैक्शन पंजाब च होन, भावें इलैक्शन UP के हो, हिंदुस्तान के जो मर्जी सूबे के हो, इन्होंने जेड़ा किसानों के मुतालिक बयान दे रहे हैं उन्होंने असी इलैक्शन जाके दसांगे, किसान जाके दसांगे। वेस्ट बंगाल के जिस तरह किसानों ने जिहड़ी उन्होंने हार हुई है वो बड़ा वड्डा हिस्सा, बड़े वड्डा योगदान किसानों का है। जेड़े दिल्ली बॉर्डर के किसान है उन्होंने वेस्ट बंगाल जाके BJP नू डेगन की कामयाबी हुई है, उन्होंने कामयाबी का कारण उन्होंने यही है जी उत्थे जी कामयाबी मिली है, तो BJP हारी है वेस्ट बंगाल से, वो पिछे एक वन ऑफ द रीजन किसान भी। देखो जी प्रोटेस्ट केंद्रीय मंत्री मैडम मीनाक्षी लेखी ने जो किसानों नू गालियां कढ़िया उन्हों ला करके आम आदमी पार्टी किसानों के हित दे नाल हमेशा खड़ी रही आ, अज भी खड़ी आ। जिहड़ा 7 महीने तो उत्थे दिल्ली दे विच किसानों ने चौगिरदियों दिल्ली घेरी हुई आ, उहदे विच वी आम आदमी पार्टी हमेशा किसानों के उस संघर्ष नू सपोर्ट करदी आई आ, और असी इस दी बहुत पुरजोर शब्दों से निंदा करते हैं, और मीनाक्षी लेखी नू किसानों के संघर्ष दे डट के खड़े हाँ, और संजिंदर सरकार तो असी यह मांग करते हैं इस नू जां दे माफी मांगे जां इस नू सस्पेंड किया जाए। केंद्र सरकार अज तक आजाद भारत के पहली सरकार आ जी इन्नी झूठी तो बेचकीनी सरकार आ, जो कहती है वो बिल्कुल उल्ट जो हों करती है, यदि कहनी तो कथनी च बड़ा अंतर है करनी है। सो इस करके जो केंद्र कह रहा सच्चाई के नेड़े तेड़े भी नहीं आते, इस करके वो तो कोई एतबार नहीं किया जा सकता। प्रोटेस्ट है अज आम आदमी पार्टी लुधियाना शहर वालों
जो पिछले दिनी मीनाक्षी लेखी जी जो मैंबर पार्लीमेंट है बीजेपी तो उन्होंने किसानों के खिलाफ अपशब्द कहे उस दे विरोध दे विच आपां लुधियाणा शहर वालों प्रोटेस्ट करके मंग की है कि बीजेपी तुरंत उसनू अपने अस्तीफे तो अपना उहदे तो ला के उस तो अस्तीफा लैके बर्खास्त करे क्योंकि किसान एक अन्नदाता साडा हिंदुस्तान का किसान है जो किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं बहुत माड़ी गल है और ये लोग बर्दाश्त नहीं करनगे। जिस तरह आप कह सकते हैं कि आप कह सकते किसान जिहड़ा साडा अन्नदाता है पर किसान अन्नदाते नूं अज सड़कां ते रोलिया जा रहा है ये सेंटर सरकार दी नीतियां जिहड़ियां नीतियां असीं घर घर तक लैके जावांगे बीजेपी का बुरा हाल करके छड्डांगे। इस करके असीं मंग करते हैं सेंटर सरकार तो तुरंत मीनाक्षी लेखी नूं तुरंत बर्खास्त करके घर भेजा जाए और पूरी सेंटर सरकार किसानों तो माफ़ी मंगे। जो लफ्ज़ उन्होंने बोले है बड़े अपशब्द बोले है माड़ी गल है निंदनयोग गल है। कल साडे मैंबर पार्लीमेंट बीजेपी वालों मीनाक्षी लेखी जी ने किसान विरोधी जो कहा किसानों नूं मवाली कहा वो किसानों का अपमान सारे हिंदुस्तानियों का अपमान सारे भारतवर्षियों का अपमान सारे अन्नदाता का अपमान असीं उहदे विरोध दे विच आम आदमी पार्टी अज पंजाब दे विच हर जिला हैडक्वार्टर ते विरोध ते मीनाक्षी लेखी जी का पुतला फूकन जा रहे हैं कि उन्हां तों अस्तीफे की मंग करते हैं जे अस्तीफा नहीं दिंदे तां उन्हां नूं बर्खास्त किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी की मंग है कि इस तरह अन्नदाता इस तरह किसान मजदूरों का अपमान बंद होना चाहिए। किसान मजदूरों का अपमान सारे देश का अपमान सारे देश का अपमान सारी दुनिया के बीच अज अन्नदाता का सिर नीवा किया जेड़े सानू रोजी रोटी खाने देंगे अज असी उन्होंने मवाली कहने शर्म आनी चाहिए मीनाक्षी लेखी जी उन्होंने अस्तीफा बर्खास्त करना चाहिए। अमृतसर तो हरिंदर सिंह लुधियाना तो रुपेश कुमार की रिपोर्ट।